और आज हम बात करेंगे भारत सरकार के पूर्व मंत्री नमो नारायण मीना के बारे में। 1969 के बैच में आईपीएस बनने के बाद सांसद और मंत्री बनने वाले नमो नारायण मीना के जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नमो नारायण का जन्म 24 दिसंबर 1943 को सवाई माधोपुर जिले के बामनवास गांव में हुआ था। बामनवास गांव पूरे भारत में एकमात्र ऐसा गांव है जहां हर घर में एक आईएएस और आईपीएस जरूर देखने को मिल जाएगा। नमो नारायण मीना अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा, इन सभी 5 भाई प्रशासनिक अधिकारी थे। वर्तमान में देवली उनियारा टोंक से विधायक और राजस्थान के पूर्व डीजीपी हरीश मीना भी इसी नमो नारायण मीना के छोटे भाई हैं। नमो नारायण मीना भी आईपीएस बनने के बाद आईजी और डीआईजी जैसे बड़े पदों तक पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड होने के बाद नमो नारायण मीना ने पहली बार 2004 में राजनीति में कदम रखा था। 2004 में नमो नारायण मीना टोंक सवाई माधोपुर से पहली बार सांसद बने थे, जिसके बाद 2004 से 2009 तक नमो नारायण मीना ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भारत सरकार की सेवा की थी। उसके बाद 2009 में नमो नारायण मीना ने गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैसला को हराकर टोंक सवाई माधोपुर से दोबारा सांसद बने, जिसके बाद 2009 से 2014 तक नमो नारायण ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद 2014 में नमो नारायण मीना को कांग्रेस ने दौसा लोकसभा से चुनाव लड़वाया था। उस वक्त बीजेपी ने दौसा से नमो नारायण के सामने इन्हीं के छोटे भाई और पूर्व डीजीपी हरीश मीना को खड़ा किया था। राजनीति में ये भी संभव है, दो सगे भाई आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। यही नहीं, उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी दौसा से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2014 में मोदी लहर की वजह से बीजेपी के हरीश मीना ने भी चुनाव जीत लिया था। उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि नमो नारायण तीसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद नमो नारायण मीना 2019 में वापस टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, परंतु 2019 में मोदी लहर में नमो नारायण मीना मामूली अंतर से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया से चुनाव हार गए थे। लेकिन नमो नारायण का पिछले 2 चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2014 और 2019 में राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती है। इसलिए केवल नमो नारायण ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सभी कैंडिडेट पिछले 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं। परंतु इस बार फिर से नमो नारायण मीना टोंक सवाई माधोपुर या फिर दौसा से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो ये थे पूर्व आईपीएस, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नमो नारायण मीना। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं कि नमो नारायण मीना को अगला चुनाव कहां से लड़ना चाहिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।